मरे चूहे से व्यापार। बहुत पुरानी बात है, पाटली नगर में एक युवक काम की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। संयोगवंश राज्य के कोषाध्यक्ष भी अपने एक मित्र के साथ उधर से गुजरे। महाराज तुमसे अति प्रसन्न है, राजकोष धन से लबालब भरा है, आखिर तुम्हारी सफलता का क्या राज है, मित्र ने पूछा। सूझबूझ और उधम, कोषाध्यक्ष ने कहा, लेकिन उसका मित्र समझ नहीं पाया। तब कोषाध्यक्ष ने कहा, मैं समझता हूँ वह मृत चूहा देख रहे हो। हाँ, यदि कोई अकले से काम ले तो बिना पूंजी के उस मूषक से ही व्यापार कर सकता है, कोषाध्यक्ष ने कहा। मृत मूषक से, कहकर उसके मित्र ने उसकी खिल्ली उड़ाई। युवक बातें सुनता हुआ उनके पीछे चल रहा था। वह ठिठक कर मूषक की तरफ देखकर सोचने लगा कि कोषाध्यक्ष ने कुछ सोचकर ही ऐसा कहा होगा। फिर उसने मृत मूषक को उठा लिया और आगे बढ़ने लगा। सामने से एक व्यापारी हाथ में बिल्ली लेकर आ रहा था। अचानक उसके हाथ से बिल्ली छूट गई। वह उसके पीछे भागने लगा। रुको बिल्ली रानी, कहाँ भागी जा रही हो? फिर उसकी नजरें युवक के हाथ में लटके हुए मूषक पर जा पड़ी। तब व्यापारी की समझ में आ गया कि बिल्ली उसकी तरफ क्यों भाग रही थी। वह युवक के पास आया और बोला, क्या तुम अपने मृत मूषक को बेचोगे? मैं तुम्हें उसकी कीमत दूंगा। युवक ने उससे एक पैसा लेकर मृत चूहा उसके हवाले कर दिया। फिर वह पैसे लेकर आगे बढ़ गया। वह सोचने लगा कि एक पैसे का क्या किया जाए। तभी उसे कोषाध्यक्ष की बात याद आ गई कि सूझबूझ से काम लेना चाहिए। कुछ आगे चलकर उस युवक ने दुकानदार से एक पैसे का गुड़ खरीदा। उसके बाद वह एक मटके में पानी भरकर नगर की सीमा पर जा पहुंचा। वहां उसे पता लगा कि वन से लोग फल फूल तोड़कर इसी रास्ते से आते हैं। वह एक पेड़ के नीचे गुड़ और पानी का घड़ा लेकर उनके लौटने का इंतजार करने लगा। दोपहर बाद जब लोग अपना काम खत्म करके शहर की ओर लौटे तो भूख प्यास से उनका बुरा हाल था। उनको आता देखकर युवक की आंखें चमक गईं। जब वे वहां से गुजरने लगे तो वह बोला, भाई आप थक गए होंगे, थोड़ा गुड़ खाकर व पानी पीकर गला तर कर लो। जुग जुग जियो बेटा, तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। एक वृद्ध ने पानी पीकर थोड़े से फूल उस युवक को दे दिए और शहर की ओर चल दिया। युवक से सब फूल वालों ने पानी पिया और इसके बदले में थोड़े थोड़े फूल उसको भेंट किए और जाते जाते बोले, कल भी हमारे लिए पानी का इंतजाम रखना दोस्त। जरूर, युवक बोला। युवक फूल लेकर नगर के एक मंदिर में जा पहुंचा और वहां उन्हें बेचने लगा। उसके बदले में उसे कुछ पैसे मिले। जब उसने गिने तो वे पूरे 8 पैसे थे। इस तरह अपनी पहली कमाई से उसने एक बड़ा घड़ा पहले से ज्यादा गुड़ खरीदा और जंगल में उसी रास्ते पर पहुंच गया। खेत में घसियारे घास काट रहे थे। युवक ने उनसे कहा, किसी को प्यास लगी हो तो पानी पी लो। अरे भाई, यहाँ प्यास किसे नहीं लगी, सब प्यासे हैं, एक घसियारा बोला। फिर युवक ने सबकी प्यास बुझाई। घसियारा बोला, हमारे लायक कोई काम हो तो जरूर बताना। इस तरह 1 महीना बीत गया। एक शाम जब युवक घर लौट रहा था कि अचानक तूफान आ गया। थोड़ी देर बाद जब तूफान थमा तो चारों ओर सूखी पत्तियां और टहनियां बिखरी पड़ी थी। युवक सोचने लगा कि अगर मृत मूषक से पैसा कमाया जा सकता है तो सूखी डालों और पत्तों से भी जरूर कुछ आय हो सकती है। अगले दिन वह राजमहल में माली से मिला। बड़े परेशान नजर आ रहे हो काका, क्या बात है? युवक ने माली से पूछा। तुम देख रहे हो ना, बगीचे में टहनियां बिखरी पड़ी हैं। महाराज किसी भी वक्त यहाँ आ सकते हैं। उनके आने से पहले बगीचे की सफाई भी नहीं कर पाऊंगा, इसी सोच में डूबा हूँ, माली ने कहा। अगर ये टहनियां मुझे देने का वादा करो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, युवक ने कहा। ले जा बेटा, जल्दी यहाँ से ले जा, माली ने खुश होते हुए कहा। मैं अभी आया, यह कहकर युवक बगीचे से बाहर आ गया। उसने बगीचे के बाहर खेल रहे बच्चों को गुड़ खिलाया और कहा, यदि तुम और गुड़ खाना चाहते हो तो तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। बच्चे खुश हो गए और गुड़ के लालच में काम करने को तैयार हो गए। युवक बच्चों को बगीचे में ले गया और उनसे सारी सूखी लकड़ियां बगीचे से बाहर कराकर एक जगह इकट्ठी करवा ली और उन्हें बहुत सारा गुड़ इनाम स्वरूप देकर वहां से विदा कर दिया। वह सोच रहा था कि अब क्या किया जाए कि तभी सामने से एक कुम्हार गाड़ी लेकर आता हुआ दिखाई दिया। कुम्हार ने युवक के पास लकड़ियों को देखकर पूछा, क्या तुम यह लकड़ियां बेचोगे?
युवक ने हां में गर्दन हिलाई। कुम्हार ने युवक के साथ मिलकर सारी लकड़ियां गाड़ी में रखवा ली, बदले में उसे 16 पैसे दिए। वह युवक उसी की गाड़ी में बैठकर बाजार पहुंच गया। बाजार में जाकर उसे पता लगा कि कल घोड़ों के व्यापारी 500 घोड़े लेकर आ रहे हैं। उसने सोचा, यदि वह 500 घोड़े के लिए घास का प्रबंध कर ले तो अच्छी कमाई हो सकती है। फिर वह तुरंत उन घसियारों के पास पहुंचा जिनको उसने पानी पिलाया था। वह उनसे बोला, मुझे तुम सबसे एक एक गट्ठर घास चाहिए। ये करीब 500 घसियारे थे। सबने एक एक गट्ठर घास युवक की बताई हुई जगह पर पहुंचा दी। युवक ने उन सबका शुक्रिया अदा किया। अगले दिन घोड़ों का व्यापारी घोड़े लेकर पहुंचा। उसने घोड़ों के लिए घास का इंतजाम करने की सोची, लेकिन उसे कहीं भी घास नहीं मिली। जब वह बाजार पहुंचा तो एक कोने में युवक के पास उसे ढेर सारी घास दिखाई दी। उसने युवक से पूछा, क्या तुम घास बेचोगे? युवक ने कहा, शौक से खरीदिए, पूरे 500 गट्ठर हैं। घास के बदले में घोड़ों के व्यापारी से उस युवक को पूरे 1000 तांबे के सिक्के मिले। युवक बहुत ही खुश था क्योंकि उसके पास काफी पैसे इकट्ठे हो चुके थे। उसके बाद उसे पता चला कि कल जहाजी बेड़ा भी आने वाला है, सो उसे नए कपड़े खरीदे और एक रथ किराए पर ले लिया। अगले दिन वह अपने दो मित्रों के साथ रथ में सवार होकर नदी के किनारे पहुंचा। थोड़ी ही देर में जहाजी बेड़ा वहां आ पहुंचा। उस युवक ने व्यापारियों का भव्य स्वागत किया और कहने लगा कि मैं आपसे सारा माल खरीदना चाहता हूँ। उन्होंने उसकी सेवा भावना से खुश होकर उसे माल बेचना स्वीकार कर लिया। तब युवक ने कहा, श्रीमान, आपको थोड़ा इंतजार करना होगा क्योंकि इतनी बड़ी रकम का इंतजाम करने में तो समय लगेगा ही। तब तक आप मेरा यह धन अपने पास रखो। व्यापारियों ने उसे समय की छूट दे दी। उस युवक ने थोड़ी ही दूरी पर अपना खेमा लगा लिया। कुछ ही देर बाद नगर के लगभग 100 व्यापारी वहां आ पहुंचे। उन्होंने जहाज के व्यापारी से बातचीत की। जहाज के व्यापारी ने बताया कि उसका सारा माल बिक चुका है। सुनकर व्यापारी ठगे से ठगे रह गए। फिर उन्होंने आपस में सलाह की और उस युवक के पास जा पहुंचे जिसने व्यापारी से माल खरीदा था। हम जहाज का सारा माल खरीदना चाहते हैं, बदले में तुम्हें 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं देंगे, उन व्यापारियों ने कहा। युवक सहर्ष तैयार हो गया। उसने व्यापारियों से 1,00,000 स्वर्ण मुद्राएं ली और सारा माल उनके हवाले कर दिया। उसके बाद उसने जहाज के व्यापारी को उसकी कीमत चुकाई और वापस नगर की ओर चल दिया। अब उसके पास अच्छी खासी रकम हो गई थी। सारे रास्ते वह कोषाध्यक्ष के बारे में सोचता जा रहा था कि अब यह सब उसकी दी हुई नसीहत का ही प्रताप है। अतः वह उसका आभार प्रकट करने के लिए उसके घर जा पहुंचा। श्रीमान, गुरु दक्षिणा के रूप में मेरी यह तुच्छ भेंट स्वीकार कीजिए, युवक बोला। गुरु दक्षिणा? कोषाध्यक्ष चौंका, किस बात की? मैंने तो तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। श्रीमान, मैंने आपकी दी हुई नसीहत के कारण 4 महीने में ही काफी धन जमा कर लिया है। फिर उसे मृत मूषक से लेकर अब तक की सारी कहानी कह सुनाई। कोषाध्यक्ष युवक की मेहनत और लग्न देखकर बहुत खुश हुआ और उसने अपनी बेटी की शादी उस युवक के साथ कर दी और अपनी सारी संपत्ति का उसे वारिस बना दिया। शिक्षा: छोटे छोटे काम करने के बाद ही बड़े कामों की बारी आती है। कोई भी सबसे ऊंचे पायदान पर एक ही छलांग में नहीं पहुंच जाता, एक एक सीढ़ी चढ़कर ही वहां पहुंचा जाता है।